चीफ जस्टिस ने जाते जाते बड़ा फैसला सुना दिया। नैब की 10 में से 9 तरामीम कल अदम करार दे दी। आवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले भी कल अदम। 7 रोज में मुकदमात एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिले समाअत करार। अक्सरियती फैसले में कहा गया नैब तरामीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासर हुए। अदालत उस्मा ने 5 सितम्बर को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट का 2-1 से अक्सरियती फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफ नोट। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस वापस एहतसाब अदालत मुंतकिल होगा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफी के केसेस भी बहाल होंगे। सलीम आंडवी वाला और इसाक डार के खिलाफ रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत मुंतकिल होंगे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस दोबारा खुलेंगे। नैब तरामीम केस का अदम होने पर तरीके इंसाफ खुश। कौम को मुबारकबाद दी। पीटीआई के वकील शेप शाइन कहते हैं पीडीएम जमातों ने अपने केसेस खत्म करवाने के लिए ये तरामीम की थी। उनकी कोशिश थी आमदन से ज्यादा असासों का केस ना बने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सेक्शन 5 में बेनामी दार की असल हैसियत को बहाल कर दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब का पहला बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उस्मा का लार्जर बेंच 18 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका। मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। मुकदमात में पेश होने वाले वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस उमर ताह बंदियाल ने कहा अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब भी जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो सच्चे हकायक पर मबनी हो। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते और जज पर तनकीद से पहले ये ज़रूर देखें कि तनकीद सच पर मबनी है या क्यास राइयों पर। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का शेर भी पढ़ा। इंतखाबात की तारीख का तायुन करना हमारा काम नहीं। किसी भी गैर आइनी काम की हिमायत नहीं करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडियों से जुड़ी हैं। 200 यूनिट तक बिजली के बिलों में किस्तों का फैसला जल्द करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से बातचीत। बोले ज़खीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के गठजोड़ को तोड़ना होगा। गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग की हौसला शिकनी जरूरी है। निगरान हुकूमत बिला खौफ व खतर काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में कहा गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा। महंगाई में जलते अवाम पर मजीद तेल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 23.50 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 16 से 17 रुपए इजाफे की तजवीज़। डीजल की कीमत में 23.50 रुपए इजाफा हो सकता है। ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी। पीआईए का माली बहरान संगीन हो गया। फंड्स की अदम फरामी पर 16 जहाज ग्राउंड कर दिए। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। कौमी एयरलाइन की अंदरूनी और बैरूनी मुल्क जाने वाली मजीद 7 परवाजें मनसूख। मुतअद्दिद ताखीर का शिकार हो गई। उधर निगरान हुकूमत ने कौमी एयरलाइन को हरी झंडी दिखा दी। फंड्स देने से इनकार कर दिया। हुकूमती इनकार के बाद पीआईए ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। मुल्की और बैनुल अक्वामी फ्लाइट ऑपरेशन जुजवी बंद करने पर गौर। कौमी एयरलाइन का 15 से 25% फ्लाइट ऑपरेशन महदूद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक आज फिर लगेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत सीईसी का इजलास आज कुछ देर बाद होगा। इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाजिया मरी कहते हैं इलेक्शन की तारीख कोई भी दे ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं। हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पीपी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में साबिक वजीर आला पंजाब की जमानत कंफर्म, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की सादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। परवेज इलाही को 20,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म, बाबर आबा ने दलाइल दिए। परवेज इलाही FIR में नामजद नहीं, गिरफ्तारी शक की बिना पर डाली गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से परवेज इलाही की जमानत की मुखालिफत, जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने रिमार्क दिए। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के दौरान कोई चीज बरामद नहीं की गई। कराची लाइन्स एरिया के निजी स्कूल में घुटन, मुतादे तुलबा की हालत गैर हो गई। स्कूल इंतजामिया ने फौरी तौर पर मामले पर काबू पाया। इंतजामिया के मुताबिक अब तुलबा की तबीयत ठीक है। बच्चों के वालिदैन और स्कूल इंतजामिया थाने पहुंच गए। पुलिस का कहना है स्कूल बनाने के SOPs फॉलो नहीं किए गए। इंतजामिया को आगाह कर दिया, वालिदैन के बयान पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और बरतानवी शहजादी लेडी डायना का स्वेटर 33 करोड़ रुपए में नीलाम। लेडी डायना ने यह जर्सी शहजादा चार्ल्स से मंगनी के चंद रोज बाद एक पोलो मैच के दौरान जेब तक की थी।